तो अभी आप लोग स्क्रीन पर जो मेरिट लिस्ट देख पा रहे होंगे वो है डिप्सिरू और डिप्सार का, यानी कि डिप्सार और डिप्सिरू का मेरिट लिस्ट जो है आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं किस तरीके से आप लोग मेरिट लिस्ट चेक करोगे, ओके स्टूडेंट। और साथ ही साथ देखो, इस वीडियो के बाद मैं लगातार वीडियोज अपलोड करूँगा जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आप लोग को मेरिट लिस्ट कैसे चेकआउट करनी है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही वीडियो बना के बता दिया था कि मेरिट लिस्ट जो है वो 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में आएगी, ठीक है। ठीक है, ऐसा ही हुआ है, 6:30 बजे के करीब में मेरिट लिस्ट आई है डिप्सिरू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। 6:30 बजे के करीब में आई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ओके स्टूडेंट। तो अब देखो, यहाँ पर समझो कि कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक दूंगा, ठीक है, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का। आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप लोग इस वाले सेक्शन पर आ पाओगे जहाँ पर ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एडमिशन का सेक्शन आएगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग अपने जो फ़ोन है ना उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना सही से, अगर आप लोग देखना चाहते हो मेरिट लिस्ट को। तो देखो एडमिशन वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे देखो मेरिट लिस्ट न्यू, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है। और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो कितने कितने मेरिट लिस्ट आए हुए हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से। सबसे पहला देखो क्या है, कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली कैंडिडेट, ओके, ये दिल्ली वालों कैंडिडेट के लिए है। दूसरा है कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर नॉन दिल्ली कैंडिडेट, ठीक है। तीसरा है EWS मेरिट लिस्ट, चौथा है EWS मेरिट लिस्ट नॉन दिल्ली, ओके। अब देखो यहाँ पर OBC मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली स्टूडेंट, SC मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली स्टूडेंट, SC मेरिट लिस्ट फॉर नॉन दिल्ली स्टूडेंट, साथ ही साथ ST मेरिट लिस्ट फॉर दी नॉन दिल्ली स्टूडेंट। तो हर एक कोर्स के लिए लगातार यहाँ पर जो है इन्होंने अपलोड कर दिया। तो सबसे पहले हम ऊपर जो है ना कॉमन मेरिट लिस्ट फॉर दिल्ली कैंडिडेट, इसको हम यहाँ पर करते हैं डाउनलोड। जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे क्या क्या चीज़ें मैंसन है। तो पहला जो ऑप्शन मैंसन है वो है अप्लीकेशन नंबर, दूसरा ऑप्शन मैंसन है वो है नेम, तीसरा ऑप्शन जो मेंशन है वो है जेंडर, चौथा ऑप्शन जो मेंशन है वो है डेट ऑफ बर्थ, और चौथा है PCM या तो PCB। देखो यहाँ पर इन्होंने जो भी यहाँ पर परसेंटाइल निकाला है, परसेंटेज जो कैलकुलेट किया है वो PCM या PCB का हुआ है। अब आप में से मेरे से जो भी जुड़े हुए लोग हैं सबसे पहले से उनको ये पता होगा कि डिप्सार जो है वो 3 सब्जेक्ट का ही मार्क्स लेता है, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं लेता है, या तो PCM का ले सकता है या तो PCB का ले सकता है, ठीक है। अब ये है जो देखिए, ये है अप्लीकेशन नंबर, ये है सीरियल नंबर। एक बार मैं आपको सीरियल नंबर से थोड़ा परिचय करा दूं कि टोटल यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2018 स्टूडेंट का जो है इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है, 2018 स्टूडेंटों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। ये दिल्ली कैंडिडेट की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ, ओके। अब ये सारे कैंडिडेट का यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ डाउट में होगा कि यार अब क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है, कैसे हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कहाँ रिपोर्टिंग करना है, ये सब आपका डाउट होगा। एक बार ना मैं आपको ये सारा का सारा जो है मेरिट लिस्ट ओपन करके दिखा देता हूँ। पहला था दिल्ली का, दूसरा हम देखते हैं नॉन दिल्ली का, ठीक है। नॉन दिल्ली का देखो यहाँ पर आप लोग परसेंटेज देखो इनके, सबसे पहले 99.4% गौरी माहेश्वरी जी का है, इनका तो देखो सिलेक्शन होने वाला है कन्फर्म में बी फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि 95 तक भी 33-35 लोग आ गए हैं। तो अब मैं जो एनालिसिस करके आपको वीडियो बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा कि इसमें से कितने मेरिट लिस्ट तक के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा कन्फर्म एकदम श्योरिटी के साथ, ठीक है। ये वीडियो मैं लेकर के आऊँगा बहुत जल्द, आप लोग टेंशन मत लो इसके ऊपर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से मान के चलो तो यहाँ इस लिस्ट में जितने भी लोग 25 से नीचे वाले हैं, 25 के नीचे वाले हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, इससे नीचे जितने भी लोग हैं उनका सिलेक्शन बी फॉर्म में नहीं होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। और किसी में कोर्स में हो जाए तो बात अलग, लेकिन बी फॉर्म में तो नहीं होने वाला है। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी से परिचय करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे जो भी स्टूडेंट ने पूछा था मैंने उनको यही बताया था कि आपका एडमिशन जो है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब हम बात करें SC मेरिट लिस्ट दिल्ली के बारे में, तो SC का एक बार देख लेते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है, हालांकि बहुत हाई होगा, मैंने अभी लिस्ट ओपन भी नहीं की है। अब देखो आप लोग SC में भी ऐसे कैसे कैंडिडेट हैं जिनका कि 96%, 94% ऑलमोस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे 90% तक जो लास्ट स्टूडेंट हैं वो हैं यशवेंद्र प्रकाश, ठीक है। इनके 90.33% 9th नंबर पर हैं। तो मैं ये भी बताऊँगा आने वाले वीडियो में किस में से किसका इसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। एक बार हम नॉन दिल्ली का भी मेरिट लिस्ट चेक करते हैं, ठीक है। नॉन दिल्ली का SC मेरिट लिस्ट जो है उसको भी चेक करते हैं। अब नॉन दिल्ली का भी आप लोग देख लो सेम वही हाल है, 94 तक है और 91 तक है।
तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी आप लोग क्या करो, अभी आप लोग अपनी लिस्ट देखो, मेरिट लिस्ट देखो, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में बताओ आपका कितना नंबर है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी इसी टाइम में दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूँ कि आप लोग जो है ना मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग ज्वाइन अगर कर लोगे तो जब मैं वीडियो बनाऊँगा सबसे पहले वहीं डालूँगा। और आपको पता है कि जो है फाइनली अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।